नमस्कार, फूड फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज जन्माष्टमी स्पेशल में नारियल की बर्फी बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बर्फी बनकर के तैयार होएगी और बहुत जल्दी बनेगी और बहुत कम पैसों में ये बर्फी बनके तैयार होगी। नारियल की बर्फी बनाने के लिए हमने 1/2 लीटर गाय का दूध दिया है। ये फुल क्रीम गाय का दूध है, गाय के दूध से बहुत सॉफ्ट मिठाई बनती है। और इसके लिए हमने जो है 60 ग्राम करीब जो है चीनी ली है और ये जो है 100 ग्राम नारियल का बुरादा है, ये डेसिकेटेड नारियल है, इसी से हम नारियल की बर्फी बनाएंगे। ये दूध हमारा जो है उबाल आ गया है इसमें दूध में, और ये दूध हम तब तक पकाएंगे इसको जो है, और लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये जो है 1/3 नहीं हो जाता है, तब तक हमें पकाना, जब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा फिर इसमें जो है हम नारियल के बुरादे को डालेंगे। और इसको लगातार ही चलाते रहना है और जो किनारे में दूध लग जाता है उधर से इसको छुड़ा देंगे। ये हमने नारियल के बुरादे को दूध में डाल दिया है, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब ये नारियल का बुरादा और दूध जो है उसमें अच्छे से जो है नारियल का बुरादा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा जब थोड़ी देर इसमें जो है पकेगा, और ये इसको हमें जो है धीमी आँच में ही पकाना है, गैस की फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है। जब ये अच्छे से नारियल हमारा जो सॉफ्ट हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। अभी इसी तरह से इसको हम जो है पकने देंगे। अभी देखिए इसमें दूध है हमारा जो है, अभी ये नहीं हुआ है। अब इस स्टेज पे हम जो है इसमें जो है शुगर डाल देंगे, चीनी। अब चीनी डाल करके चीनी को भी हमें जो है मेल्ट होने देना है। गैस की फ्लेम को हम धीमे ही रखेंगे जिससे अच्छे से चीनी जो है मेल्ट हो जाए, और चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमें थोड़ा कम ही मीठा पसंद है इसीलिए हमने थोड़ा कम डाला है। ये हमने इसमें जो है 1 टेबलस्पून गाय का घी डाल दिया है। गाय का घी डालने से मिठाई जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत अच्छी। अब इसी तरह से इसको हमें जो है पकाना है जब तक ये सारा हमारा नारियल का बुरादा और दूध चीनी सब इकट्ठा नहीं हो जाता, जब तक ये पैन हमारा छोड़ नहीं देता है तब तक हमें इसको जो है धीमी आंच में ही पकाते रहना है। जब ये जमने की स्थिति में आ जाएगा तब फिर हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको जमाएंगे। अभी हमें इसको थोड़ा और पकाना है। अभी ये अलग अलग सा लग रहा है, अभी हम इसको जो है नहीं जमाएंगे, अभी थोड़ा और पकने देंगे। ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी मिलती है, बनती है। ये बहुत महंगे दामों में हलवाई के हम जब ख़रीदने जाते हैं तो 1000 रुपये किलो से कम की मिठाई नहीं बनती है, और घर में जब हम बनाते हैं तो बहुत मुश्किल से 150 रुपये में ये मिठाई हमारी 1 किलो मिठाई बनके तैयार हो जाती है। देखिए हमारा जो है अब जमने लगा है, इसको हमने एक जो प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम जो है ठंडा होने देंगे 2 घंटे के लिए, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये आ जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसके जो है पीसेस करेंगे। जो है एक बार ये मिठाई आप ज़रूर बनाइएगा, घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और ये नारियल की जो है बर्फी हमारी बिल्कुल जो है ठंडी हो गई है। अब इसको हम जो है पीस में काट लेते हैं। इसको आपको जो है जितना बड़ा पीसेस इसका इसके जो है निकालने हैं उतने पे जो है आप निशान लगा के इसको काट लीजिए, छोटे या बड़े। जन्माष्टमी के लिए ये मिठाई जो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार। इसको एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, अगर एक बार आप खाएंगे तो इसको जो है बार बार खाने का मन करेगा। इस तरह से जो है सारे पीसेस जो है निकाल लेंगे। ये देखिए आपको देख करके लग रहा होगा कि ये जो है मेरी नारियल की बर्फी जो है कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि
कि ये नारियल की बर्फ़ी आपको जो है कैसी लगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत